हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस करेंगे, जो कि 24 दिसंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है और ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। तो बच्चों, क्लास 7 और कक्षा 8 की भी हिंदी विषय की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो पिछले कार्य पत्र में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर जी ने ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने अलग अलग बीमारी की आशंका व्यक्त की और दुकान से दवा भेजता हूँ यह कहकर चले गए। तभी पड़ोसिन आती हैं। पड़ोसिन के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्य पत्रक को पढ़कर जाने। तो यहाँ पे जब मोहन के पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर आए थे, हमने पिछले वर्कशीट में ही पढ़ा है, और वो उसे दवा देकर, उन्होंने उसके पिताजी को कहा कि मैं दुकान से दवा भिजवा दूंगा, ऐसा कहकर वो चले गए। तो अब हम आज क्या पढ़ेंगे कि जब जैसे ही डॉक्टर साहब गए, वैसे ही उनकी पड़ोसिन आती है, और उनकी पड़ोसिन के आने पर क्या क्या हुआ वो हम आज की वर्कशीट में जानेंगे। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। तो माँ ने जैसे ही उसकी सिकाई करने के लिए बोतल उठाया हाथ में, तभी उनकी पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो माँ कहती है, डॉक्टर कहता है बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। फिर माँ कहती है, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। तो बच्चों, यहाँ पे मोहन की जो पड़ोसन है वो आती है और वो पूछती है मोहन का हालचाल। तो वो कहती है कि आजकल तो बहुत सारी नई नई बीमारियां आ गई हैं, तो तरह तरह के खाने पीने की वजह से भी हो जाती है, नए नए बुखार भी आ गए। तो उसकी माँ बोलती है मोहन की कि उसने ऐसा तो कुछ खाया नहीं, बस रोटी खाकर गया था, और वहां भी उसने कुछ उल्टा सीधा कुछ नहीं खाया। तो इतनी बातचीत हो रही थी दोनों में कि तभी मोहन के मास्टर जी आ जाते हैं और वो आवाज लगाते हैं मोहन को। तो बस यही हमें आज दिया हुआ है पैसेज में, इसके आगे हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नों की ओर चले। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे ऐसे जानने के लिए पड़ोसिन ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की? तो पड़ोसिन ने किसी नई बीमारी या एक नए दर्द होने की आशंका व्यक्त की, उसने कोई नया बुखार होने की भी आशंका जताई। उन्होंने कहा कि कोई नई बीमारी है या किसी नए तरीके का दर्द होगा या फिर कोई नया बुखार भी हो सकता है। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो ये तीन पंक्तियां हैं, ये आपको बताना है कि इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, मतलब बहुत सी नई बीमारियां होने लगी हैं। फिर राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, का मतलब क्या हुआ, बीमारियों से लोग बहुत दुखी हैं। तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है, यानी दिखने में सीधे हो लेकिन चालाक हो। नेक्स्ट, संकट के समय पुलिस से तुम कैसे बात करोगे, संवाद के रूप में लिखिए। तो अगर आप किसी संकट में हैं, आप पुलिस को कॉल करोगे तो आप क्या बात करोगे, कैसे बात करोगे, वो आपको संवाद के रूप में यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों कैसे लिखना है, तो पहले आप खुद बात कर रहे हो तो आप पहले लिखोगे मैं और फिर दूसरे में लिखोगे पुलिस। तो आप जब भी संवाद लिखोगे तो अपने लिए मैं और जो सामने वाला है जिससे आप संवाद कर रहे हो, फिर उसका नाम या वो जो भी है वो लिखोगे आप। तो मैं, हेलो पुलिस, हेलो आप कौन बोल रहे हो? मोहन, मैं मोहन बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या समस्या है? मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा मेरे घर का सारा सामान बिखरा था, मेरा कुछ कीमती सामान चोरी हो गया है। पुलिस, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राम विहार से बोल रहा हूँ। पुलिस, आपकी शिकायत दर्ज हो गई है, कुछ समय में पुलिस आपकी सहायता के लिए वहाँ पहुँच जाएगी, धन्यवाद। तो ये बातचीत, छोटी सी बातचीत मैंने यहाँ पे लिखी है पुलिस और मेरे बीच में। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि मेरे घर चोरी हो गई है, तो मैं पुलिस को कॉल करके ये बता रही हूँ कि मेरे घर में चोरी हो गई है। तो पुलिस ने मुझे सहायता का आश्वासन दिया है और मेरी शिकायत दर्ज कर ली है और जल्दी जल्द उन्होंने कहा है कि वो मेरे घर पहुँच जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपके मन में अगर कुछ वाक्य आ रहे हो, वाक्य आ रहा हो कि आप
किस किस चीजों के लिए पुलिस से बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने चोरी के बारे में बताया, या आप क्यों कॉल कर सकते हैं, हो सकता है आपका फोन गुम गया उसके लिए आप कॉल कर रहे हो, आपका पर्स कहीं गिर गया है, या आपका बटुआ किसी ने मार लिया है, जेब कट गई आपकी, या इस तरीके से कुछ भी वाक्य को आप संवाद के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है, माने पड़ोसन को मोहन के बारे में क्या क्या बताया। माने पड़ोसन को बताया कि मोहन कमजोर हो गया है, उसका बुरा हाल है, डॉक्टर ने कहा है कि बदहजमी है। तो ये सब माने पड़ोसन को बताया मोहन के बारे में। तो बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। तो ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट आते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाते हुए जाएं, और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।